गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सपर्ट फैकल्टी जोन। आज हम फिर आए हैं आपके पास और लेकर आए नया टॉपिक इनकम, एनी अदर टाइप ऑफ इनकम फॉर द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आपने देखा कि कैसे सब्सक्रिप्शन को एक इनकम मानते हुए हम कैसे उसका अमाउंट कैलकुलेट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रिएट करने के लिए। लाइकवाइज अब कोई और इनकम अगर होती है किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, तो उस इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखते हैं। लेट्स सी एनी अदर टाइप ऑफ इनकम विच इज टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। कोई भी इनकम होगी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कितना रिकॉर्ड करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट इनकम कैसे होगी। फर्स्ट अंडरस्टैंड, इनकम बहुत तरीके से होती है। सपोज आपका कोई यू कैन से स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है पर ये चल रही है समाज सेवा के तौर पे कार्यरत है, पर वहाँ पर आपके यहाँ गाइडेंस लेने का, कोचिंग लेने का, इक्विपमेंट्स यूज़ करने का पर्टिकुलर थोड़ा बहुत आप चार्ज ले लेते हैं, तो वो चीज़ आप कैसे अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पास लॉकर खरीद रखे हैं, लॉकर जैसे बैंक लॉकर फैसिलिटी देती है, चार्जेस लेती है, ऐसे यहाँ पर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने लॉकर बना रखे हैं। अब लॉकर आप लेते हैं रेंट पर या कोई मेंबर लेता है रेंट पर, तो उसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा। सो लेट्स सी, सबसे पहले हम ये लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड एज लॉकर रेंट फॉर द करेंट ईयर। मान लीजिए करेंट ईयर 2020 है, अब इसमें जो भी अमाउंट रिसीव हुआ से ₹1,20,000, जितना अमाउंट रिसीव हुआ पहले हम उसको लिख लेंगे, उसके बाद जितना इस साल रिसीव हुआ उसको लिखने के बाद लॉकर रेंट रिसीव्ड अमाउंट ऑफ 2019 प्रीवियस ईयर, जितना अमाउंट जो हमें प्रीवियस ईयर का इसके अंदर इंक्लूड है मिला हुआ है उसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू एनी अदर ईयर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर का नहीं है, इसे माइनस कर देंगे। मान लीजिए ₹30,000 अमाउंट है, हमने यहाँ से लेस कर दिया, 120 माइनस 30 रिमेनिंग अमाउंट इज ₹90,000। अब ये 90,000 हो गया। अब मान लीजिए आपके पास और लॉकर रेंट है जो रिसीव हुई है फॉर 2020, ईयर कौन सा 2021, हमारा करंट ईयर क्या है 20, ये रिसीव हुआ काहे के लिए 21 के लिए है, तो हमारा एडवांस रेंट है, एडवांस मान लीजिए 25,000 है, 25,000 फिर लेस कर दिया यहाँ से, रिमेनिंग अमाउंट इज ₹65,000, 90 माइनस 20 70, 70 माइनस 5 65, बचा आपका अमाउंट ₹65,000। अब मान लीजिए लॉकर रेंट करंट ईयर का दे रखा है आपको क्वेश्चन में कि आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का, सपोज करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 37,000, ऐड कर लेंगे 37,000, 65 प्लस 37 इज इक्वल टू 1,02,000, ये हुआ आपका ₹1,02,000 मात्र। अब आपको दे रखा है, सपोज क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन है कि लॉकर रेंट रिसीव ड्यूरिंग 2019 फॉर 2020, 19 किया था पिछला साल, 20 किया है ये साल करंट ईयर, अगर पिछले साल मिल गया था लेकिन करंट ईयर के लिए था, इस साल के लिए था, तो है तो इस साल का ना, इसे हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर, ऐड कर देंगे इस फिगर को, हम ऐड करेंगे, मान लीजिए ₹3,000 है ये अगला 2,000 था, 3,000 ऐड कर लिया, ये बन गया आपका अगला ₹5,000। इस अमाउंट को हम क्रेडिट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज द इनकम फॉर द करंट ईयर। लिखेंगे लॉकर रेंट टू बी रिसीव्ड, यहाँ पर लिखेंगे टू बी रिसीव्ड, टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बहुत सिंपल से लिखते हैं, इनकम साइड में बाय लॉकर रेंट अमाउंट लिख देते हैं, कहानी कुछ नहीं लिखनी, बाय लॉकर रेंट अमाउंट लिख देंगे वाले 5,000, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, गुड बाय, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एक्सपर्ट फैकल्टी जोन।